सो हे गाइस दिस इज बॉय स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर और आज हम बात कर रहे होंगे ऐसे 10 से 12 तरीके जिनसे आप घर बैठे अपने यार पैसे कमा सकते हैं इनमें से यार मेजॉरिटी चीज मैंने खुद स्वयं कर रखी है जिससे कि आपको एक काफी एक्यूरेट क्या उनके नुकसान है क्या उनके फायदे हैं वो मैं बता रहा जितना आप पैसा असलियत में कमा पाएंगे उतना ही मैं पैसा आपको यार यहाँ पे बताऊंगा कोई बड़ा चढ़ा के नहीं कोई पेड प्रोडक्ट नहीं है कोई पेड प्रमोशन नहीं है इस वीडियो के अंदर सारी वेबसाइट जो है वो जेन्युन वेबसाइट हैं जो कि आपका सहायता कर सकती है नेक्स्ट काफी सारे पढ़े कहां से कोई भी आप स्किल जैसे अक्वायर करना चाहते हो आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है आपको ऐप आप डेवलपमेंट सीखना है आपको कोडिंग सीखनी है आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो ये सारे रिसोर्सेज मिलेंगे कैसे रोड मैप क्या है इन सबके वो सारे रिसोर्सेज भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा अब सबसे पहले यार वो व्यक्ति जो कि चाहते हैं भैया बस पहले दस बारह वो नाम बता दो क्या है तो मैं नाम बताने के लिए यार सबसे पहले मैं आपको फ्री वेबसाइट के थ्रू लेके जाऊंगा उसके बाद कुछ और वेबसाइट हैं जैसे कि अपवर्क है आपका ट्रांसक्राइब मी है आपका गो ट्रांसक्राइब है आपका स्क्रिबी है आपका रेव है इन आपकी इंटर्नशाला है इन सभी वेबसाइट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा उसके बाद काफ़ी सारे आपके कोर्सेज ऑलरेडी जैसे यहाँ पे आप अमेज़ॉन देख रहे हो तो अमेजॉन के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है आप अपनी खुद की दुकान भी खोल सकते हैं और जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ अमेज़न फ्लिपकार्ट या मिंत्रा ये 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 नहीं है ई e कॉमर्स का मतलब है कि मान लो यार हर एक चीज एक रेस्टोरेंट जो खोल रखा है वो ऑनलाइन पे अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो भी ई e कॉमर्स का पार्ट है एक गमले वाला व्यक्ति है है जिसकी यार नर्सरी पर वो अपने गमले ऑनलाइन ऑनलाइन भी लिस्ट करके करके रखता है और लोग ऑर्डर परचेस करते हैं ये भी एक अपने आप में ई e कॉमर्स है तो इन सबके बारे में बात कर रहे होंगे काफी बड़ा होता है ई e कॉमर्स पर इस पर भी डिटेल देखेंगे फिर वेब डेवलपमेंट जैसी चीज आपका कंप्लीट कोर्स यार अवेलेबल है और यूट्यूब के ऊपर हमने पढ़ा रखा है आप पढ़ सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से एनिमेटेड तरीके से कराया गया है इसको आप देखें फिर सिमिलरली कोडिंग अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो तो कोडिंग कहाँ से सीखनी है कैसे सीखनी है कितना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा मैं माइक्रोसॉफ्ट गूगल ये जो बड़े सपने आप देखते हो हाँ मेहनत ज़रूर लगेगी यार छः से सात महीने तक लगेंगे अगर इतने बड़े सपने हैं और ऑफ कैंपस किस प्रकार से आप इन पे ट्राई कर सकते हो अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है चाहे आप बी के स्टूडेंट हो चाहे आप बी के स्टूडेंट हो किस प्रकार से हम जा सकते हैं ये हम बात कर रहे होंगे ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है और क्या इसका रोडमैप होता है वो हम देख रहे होंगे किस प्रकार का काम है जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो एक वेबसाइट का पूरा यू बनाया गया है तो ये किस प्रकार से बनता है ये प्रॉपर वीडियोस आप लोगों के लिए बना रखे हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आप कैसे आगे जा सकते हैं आप एज अ ब्लॉगर किस प्रकार से आगे जा सकते हैं ये सारे रिसोर्सेज के बारे में हम इस वीडियो में अंदर बात कर रहे होंगे अब सबसे पहले यार आपके पास एक स्किल होनी चाहिए जैसे कि शायद आपको ऐप डेवलपमेंट आता हो वेब डेवलपमेंट आता हो आपको वीडियो एडिटिंग आती हो आपको एनिमेशन आती हो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती हो आपको टाइपिंग आती हो कोई भी काम आपको आता हो आप कॉन्टेंट राइटिंग करना चाहते हैं

और मैं नीचे स्क्रोल करता हूं तो आप देख रहे होंगे हर सेकेंड इधर अगर आप देख पा रहे हो पोस्टेड वन मिनट अगो किसी ने अपना 1500 से बारह हज़ार रुपये का काम पोस्ट किया है किसी ने अठारह हज़ार रुपये का काम पोस्ट किया है किसी ने बारह हज़ार रुपये का काम पोस्ट किया है किसी ने सात सौ रुपये का किसी ने अठारह हज़ार से पचास हजार रुपये तक का, का काम किसी ने एकदम बीस बाईस हजार का पोस्ट किया है लाखों रुपए तक के भी पोस्ट होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना एक प्रोजेक्ट यहाँ पे पोस्ट कर रखा है आप लोगों को समझाने के लिए कि एक ऐप का मुझे यू बनवाना है अब ऐप का यू बनाने के लिए मैंने अपना बजट यहाँ पे लिखा था अब एज अ जो रिक्रूटर वो अपना एक बजट से डेढ़ मतलब किस, किस कलर का होगा किस पे क्लिक करूंगा तो क्या खुलना चाहिए वो फ्रंट एंड बैक एंड का पार्ट होता है डिजाइन मतलब का होता है तो किसी ने कहा यार मैं डेढ़ लाख लेके सात दिन में कर दूंगा किसी ने कहा मैं अस्सी हजार में लेकर दूंगा किसी ने कहा मैं डेढ़ लाख में कर दूंगा किसी ने कहा मैं पिचहत्तर हजार में कर दूंगा किसी ने कहा मैं दो लाख में करूंगा जी पर बढ़िया काम करूंगा तो इस प्रकार से सब लोगों ने यहां पर बिडिंग कर दी अब एक चीज यहां पर आपको समझनी होगी जब भी बिडिंग होती है तो काफी बार पीछे फ्रीलांसर एक इंडिविजुअल होता है कि मान लो मैं आपका काम कर देता हूं यू का और जब बड़े प्रोजेक्ट आते हैं बड़े प्रोजेक्ट मतलब जो कि लाख डेढ़ लाख तीन लाख पांच लाख दस लाख तक के हैं वहां पे काफी बार पीछे एजेंसीज होती हैं ठीक जैसे वेब डेवलपर की चार पांच बंदों की एक एजेंसी हो गई जिसमें एक हेड वेब डेवलपर हो गया दो चार छोटे व्यक्ति हो गए और फिर वो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट बना रहे हैं पूरी की पूरी आपकी ऐप आप बनाकर आपको दे रहे हैं तो इस प्रकार से आपको फायदा हो रहा होगा अब ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स मैंने ऐसे पीछे खोल दिया कि कुछ तो चलता रहे अब नेक्स्ट हम है। देखते हैं यार अपवर्क अब अपवर्क भी यार एक सिमिलर आपका प्लेटफॉर्म है यहां पर चाहे आप एक क्रिएटर हो डिजाइनर हो आपको यार अलग अलग काम यहाँ पे मिल सकते हैं जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इधर यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया मैं अपवक की मेन वेबसाइट पे गया आप सिर्फ़ अपवक टाइप कर सकते हैं उसके बाद मैंने कहा जी मेरे को फाइंड वर्क ऊपर अगर आप देखेंगे फिर मैंने कहा फ़ाइंड वर्क फॉर योर स्किल्स बड़ा बेसिक सा है इस पर क्लिक किया अब यहाँ पे आपसे यार सबसे पहले पूछा जाएगा आप कौन से किस प्रकार का काम करते हैं तो मैंने कहा यार कुछ डिजाइन एंड क्रिएटिव जैसा कह दो बाकी यार डेवलपमेंट और आई बाकी सारे भी यहाँ पर हैं लीगल का भी है सेल्स एंड मार्केटिंग के भी काम है मैंने डिजाइन एंड क्रिएटिव पे क्लिक किया अब यहाँ पे जैसे अडोबी आफ्टरफेक्ट ये एक सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड कोई काम है तो मुझे बता दो तो यहाँ लोगों ने देखो कितना सारा काम पोस्ट कर रखा है लुकिंग फॉर अ फिटनेस मोटिवेशन एडिटर की एक किसी का चैनल होगा उसके लिए एक व्यक्ति एडिटर ढूंढ रहा है कितने पैसा देगा 500 डॉलर रुपये आपको दे रहा होगा एक्सपर्ट लेवल उस व्यक्ति को एडिटिंग चाहिए सिमिलरली किसी ने अलग अलग बता रखा है मुझे एक मोशन डिजाइनर चाहिए मोशन डिजाइनर चाहिए तीस घंटे का आपसे काम कराएगा प्रति हफ्ता छह महीने से आपसे ज्यादा काम कराएगा आप सी मोर पे देखेंगे तो आपको पैसे भी बता रहा होगा कितने पैसे जनाब वो आपको दे रहा होगा तो इधर आपको देखते हैं तो इसने कहा कि यार मैं छः से दस डॉलर प्रति घंटा दे दूंगा अब डॉलर का यार आपको पता ही है छः से दस डॉलर का मतलब आपको वही पाँच सौ आठ सौ रुपये प्रति घंटा के हिसाब से आ, मिल रहे होंगे तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हो ऑल दो अपवर्क के ऊपर काफी ज़्यादा लोग फ्री को प्रेफर करते हैं अपवर्क से ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर आ, आप काम करोगे समझ जाओगे फ्रीलांसर पे सीधा डायरेक्ट मिल जाता है यहाँ पे अपवर्क पे काफी सारे फॉरेन क्लाइंट्स आपको ज़्यादा मिल रहे होंगे Uh, फिर यार आपकी नेक्स्ट चीज के ऊपर मैं जाना चाहूंगा और ये आजकल नई आई है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्राइबिंग ट्रांसक्राइबिंग क्या है कि यार किसी की कोई ऑडियो फाइल है ऑडियो फाइल आप समझ रहे हो मतलब कोई ऑडियो है कोई पॉडकास्ट हो सकता है कोई इंटरव्यू हो सकता है कोई टी शो के कुछ डायलॉग्स होते हैं उस एक घंटे की ऑडियो फाइल को आपको टाइप करना होता है ठीक है जिससे कि आपको एज अ कैप्शन वो नीचे दिखते जाएं तो ये अपने आप में एक काम है और इसको करने के लिए चार वेबसाइट हैं आप ट्रांसक्राइब मी का इस्तेमाल कर सकते हो और भैया कितना पैसा ये आपको देते हैं यार ये या आपको पैसा दे सकते हैं कुछ पंद्रह डॉलर से बीस डॉलर दस डॉलर से बीस डॉलर तक प्रति घंटे की ऑडियो के लिए तो यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी फास्ट होनी चाहिए लगभग इतनी कि आप जिस हिसाब से सुन रहे हैं उतना टाइप कर सकें अब आपको लग रहा हो भैया ये इतनी तेज तो टाइपिंग स्पीड नहीं हो पाता अरे आराम से हो पाती है आप असली टाइपर्स को देखेंगे वो तो बहुत मतलब आप विद इन वन मंथ काफ़ी अच्छी स्पीड पकड़ जाओगे आपको इसके लिए सालों की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है काफ़ी अच्छा आप कर सकते हैं सिमिलरली एक और वेबसाइट है यहाँ पे गो ट्रांसक्राइब मी यहाँ पे भी यार आपका सिमिलर हो रहा है फास्ट सिंपल अफोर्डेबल ट्रांसक्रिप्शन यार यहाँ पे आपको दिख रहा है एक और अगर हम देखें तो ये स्क्रिबी है इधर आपको देख रखा है कि पॉइंट वन डॉलर प्रति मिनट पे लोग अपना यहाँ पे ट्रांसक्राइब करा सकते हैं आपको भी अकॉर्डिंगली पैसे मिल रहे होंगे फिर आपका रेव है रेव पे भी यार यहाँ पे यही हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन कैप्शन फॉरन सब ये सारी चीज़ें आप तो एक तरह से आपका काम है आप घर बैठे कुछ करना चाहते हैं ज़्यादा स्किल जिसमें रिक्वायर्ड ना हो तो आप ये काम कर सकते हैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है इंटर्नशाला आप में से वो व्यक्ति जो कि यार कॉलेज़ के अंदर हैं और कुछ इंटर्नशिप वगैरह करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर अब इंटर्नशिप पे भी मैंने वीडियो एक बना रखा है अगर यार आपका ऑलरेडी टीयर वन कॉलेजेस हैं आप साइंस बैकग्राउंड से हो आई ट्रिपल आई टीज इन सब में तो जिनमें यार ऑलरेडी इन कैंपस कंपनीज़ आती हैं आप अपनी कंपनीज का ही वेट करें आपको बाहर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है इंटर्नशिप के लिए पर मेजोरिटी जो कॉलेजेस हैं वहां पर यार इंटर्नशिप के लिए इतनी कंपनीज नहीं आती हैं तो काम सीखने के लिए इंटर्नशिप के लिए बाहर जाना क्योंकि आप जब भी देखोगे यार इंटर्नशाला पे जैसे मैंने कुछ नहीं यहां पर कैटेगरी में वेब डेवलपमेंट को सर्च किया अब वेब डेवलपमेंट को सर्च किया फिर मैंने कहा चलो देख देते हैं यार कितना पैसा दे रहे हैं मार्केट के अंदर तो किसी ने कहा पांच देंगे किसी ने पैसे ही नहीं लिखे अनपेड लिख रखा है वो भाई पैसे ही नहीं अनपेड फिर दो से पांच प्रति मंथ देंगे पंद्रह हज़ार से बीस हज़ार मंथ देंगे चार हज़ार मंथ देंगे दस से पंद्रह हज़ार मंथ देंगे पाँच हज़ार मंथ पाँच हज़ार छः हज़ार पंद्रह से बीस हजार अब इन पैसों को देख के आप डर सकते हो अरे भैया वेब डेवलपमेंट सीखा ज्यादा पैसा मिला ही नहीं ये इंटर्नशिप्स हैं इंटर्नशिप्स में कम पैसा ही मिलता है अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो आप अपनी कक्षा को ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर वेब डेवलपर्स को काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं ठीक है और एक और यार मैं शायद मोस्ट प्रोबेबली लिंक के ऊपर एक गूगल फॉर्म निकालने वाला हूँ और अपनी कक्षा और लोगों को हायर कर रहा है जहाँ पे आपके टेक के बंदे भी हैं ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको अगर टीच करना है हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना चाहते हो आप आपके नंबर अच्छे आए थे आप एक कॉलेज ग्रेजुएट हो आ, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं आपको ऐसा है कि यार हाँ मैं कॉलेज में समय भी ज़्यादा निकाल सकता हूँ तो छोटे बच्चे भी हमारे नाइन टेंथ के उन्हें आप पढ़ा सकते हैं तो इस प्रकार का एक फॉर्म निकलने वाला है अगर हुआ तो मैं कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूँ आप लोगों को बना के एक नहीं तो लिंकड पे एक जरूर आ रहा होगा आने वाले एक दो दिन के अंदर हमें वीडियो एडिटर्स भी चाहिए तो आप आ सकते हो बहुत बढ़िया कस्टम पीसी सुंदर सुंदर आपके बना रखे हैं काम करके मजा आ जाएगा आपको अब नेक्स्ट हमारी जो चीज है यार वो मैं आपको दिखा देता हूं किसी को अगर वेब डेवलपमेंट सीखना है भैया वेब डेवलपमेंट का क्या फायदा अभी तो मैंने देखी इंटर्नशिप में इतना कम पैसा दे रहे हैं अगर ऐसी ही बात है तो आप फ्री लैंसर पर जो आपने थोड़ी देर पहले बिडिंग देखी थी एक एक डेढ़ डेढ़ लाख की वो भी सारे आपके वेब डेवलपर से थे और वो यूआई बना रहे थे फ्रंट एंड बैक एंड वाले तो और भी अच्छा पैसा कमाते हैं जब आपकी एजेंसीज होती हैं और बाकी यार मेरा मानना है कोई भी काम छोटा नहीं है आप उसमें कितने बेहतर होते जाते हैं वो मैटर करता है ऐसे ऐसे वेब डेवलपर हैं जो कि घंटे के 35 35 डॉलर भी लेते हैं 40 चालीस डॉलर भी लेते हैं पर हां उन्हें काम करते करते पांच से छह साल हो चुके होते हैं इंडस्ट्री को वो काफ़ी अच्छे से जाते हैं इनिशियली आप जब काम करोगे आपको शायद उतना पैसा न मिले आपको हो सकता है शुरुआत में कुछ प्रोजेक्ट फ्री में भी करना पड़े आपको अपना पहले एक पोर्टफोलियो बनाना पड़े पोर्टफोलियो का मतलब आप समझ रहे हैं पोर्टफोलियो मतलब जैसे पुराने जमाने में लोगों का कार्ड होता था जी ले आप मेरा ये कार्ड ले लीजिए इस नंबर पे कॉल कीजिएगा हाँ। अब अगर आप ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस है तो पोर्टफोलियो मतलब आपका एक वेब पेज होगा जिसमें आपका काम ऑलरेडी पोस्टेड होगा कि यार ये मैंने पुरानी वेबसाइट्स हैं ये मेरे क्लाइंट्स हैं इनके साथ देखो मेरा रिव्यू क्या है ये सारा मैंने कहाँ से क्वालिफिकेशन करी और क्वालिफिकेशन से ज़्यादा आपका काम मैटर करता है वो सब आप एक पेज के ऊपर दिखाते हैं कल को अगर आपको एक वीडियो चाहिए भैया मैं पोर्टफोलियो अपना कैसे बनाऊँ तो मुझे बता देना मैं बना दूंगा बहुत प्यारा सा एक वीडियो आप सभी लोगों के लिए अब जैसे यार ये वेब डेवलपमेंट है अब ये एक व्यक्ति है जिसने मतलब यहाँ पर हमने जो कोर्स बनाया है इसके अंदर यार 30 से ऊपर वीडियोस हैं जहाँ पे आपको एच टी एम एल सी एस एस फिर बूट स्ट्रैप और अब जावा स्क्रिप्ट यार ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही होंगी अब आप में से काफ़ी बच्चे होंगे नहीं भैया मुझे तो कोडिंग करनी है कोडिंग का मतलब समझ पा रहे हो आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जा रहे हो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर टॉप आ गई आपकी यार फैंग जैसे कि आपकी फेसबुक आ गई आपकी गूगल आ गई आपकी माइक्रोसॉफ्ट आ गई ये तो ड्रीम कंपनीज हो गई फिर इनके नीचे यार और बहुत सारी कंपनी होती हैं आपकी एयरटेल को भी चाहिए आपकी हाइक को भी चाहिए आपकी अर्बन कंपनी को भी यार इंप्लॉयज़ चाहिए अब यार इनकी ओपनिंग होती है ऑफ़ कैंपस प्लेसमेंट्स भैया मतलब मैं एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हूँ या मैं एक बी स्टूडेंट हूँ तो मैं इन कंपनीज के लिए कैसे अप्लाई कर सकता हूँ सबसे पहले तो सब कुछ बता रखा है तो आप यूट्यूब खोल सकते हैं और उस पर आप सर्च कर सकते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट देख रहे हो अमन धतरवाल का एक वीडियो आ गया शायद मेरा अकाउंट है इसलिए मेरे को अधिकार है पर पहले तीन वीडियो हमारे पहले चार वीडियो हमारे यहाँ भाई साहब मतलब तुम्हें सिर्फ ऑफ कैंपस प्लेसमेंट सर्च करना था पहले पांच वीडियो हमारे हैं पहले छह वीडियो पहले सात वीडियो पहले आठ वीडियो नौ दस यार ये इतना फोकस्ड कैसे आ गया भाई <laughs> ये, ये तो आज तक का बेस्ट रिजल्ट आ गया, गया। <laughs> तो चलो मेरे हिसाब से शायद मेरा अकाउंट है इसलिए मुझे ज्यादा दिखा रहा होगा तो ये जो पहला यार ये प्रॉपर एक सेमिनार है कि कैसे आप एक ऑफ कैंपस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं फिर यार माइक्रोसॉफ्ट के काफी सारे एम्प्लॉयज हैं उनके साथ इंटरव्यू कराया गया है और काफी तरीके से आप के अंदर अगर मन में है कि यार हाँ मुझे करना है तो कंटेंट आज के दिन यूट्यूब के ऊपर यार अवेलेबल है ये सबसे स्ट्रांग बेनिफिट हुआ है डिजिटल रेवोल्यूशन का अब आपको मैंने रास्ता तो यहां पर बता दिया है और साथ में चीजें आसान करने के लिए कोर्स भी बना दिया है अगर आप ध्यान से जूम करके देखेंगे तो दो सौ छब्बीस वीडियोज हैं इसके अंदर अब आप चाहो तो किसी को बीस पच्चीस हज़ार रुपये दे भी ये चीज़ सीख सकते हो और अगर आपके अंदर मन में यार है तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो मेरा तो हमेशा से मानना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट रिजल्ट नहीं निकालते अगर ऐसा ही होता तो पूरा कोटा आई क्लियर कर लेता और पूरा राजेंद्र नगर आपका और करोलबाग आई ए ऑफिसर बने होते असली मेहनत यार बच्चे और उसके पेरेंट्स करते हैं टीचर का, का काम होता है सब्जेक्ट समझा दे आपको एक रोड मैप दे दे उसके बाद बच्चा पाँच से छः बार रिवाइज करके क्लियर करता है और पीछे उनकी मेहनत होती है माँ बाप की जो कि सैक्रिफाइसिस कर रहे होते हैं रियलिटी ये है। फिर यार सिमिलरली अगर आपका कोडिंग से है कि यार ओके okay, और क्या क्या कर सकते हैं भैया ये है ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसे व्यक्ति जिन्हें लगता है कि यार हम आर्ट जैसे रिलेटेड चीज़ों में बड़े अच्छे हैं हम डिज़ाइनिंग वगैरह अच्छा कर सकते हैं तो डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या आता है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो एक बेसिक जैसे कि मान लो मैंने एक केमिस्ट्री लैब का यहाँ पर डिज़ाइन बना रखा है किसी व्यक्ति का आप डिज़ाइन बनाते बड़ी गंदी सी डिज़ाइन है बट ठीक है समझ गए आप ये वेबसाइट का जैसे हमने बताया कि कैसे यार आपका यूआई दिख रहा होगा ये सारा काम आपका ग्राफिक डिजाइनर का होता है ठीक है और ये प्रॉपर वीडियो है यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये इसी अमन अतरवाल चैनल के ऊपर अपलोडेड है आप इन्हें देखें इनका पूरा लुप्त उठाएं नेक्स्ट होता है कि आप एक एंड्रॉइड डेवलपर कैसे बन सकते हैं तो उसका भी प्रॉपर एक पूरा रोड मैप बना रखा है हाउ टू बिकम एन एंड्रॉइड डेवलपर स्टेप बाय स्टेप आपको पूरे सारा मिल जाएगा नेक्स्ट है कि आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो किस प्रकार से बनाएं तो ब्लॉगर में हाउ टू बी अ अंटेंट राइटर ये पूरा यार जनाब आप लोगों के लिए वीडियो बना रखा है कहाँ पे आप बना सकते हैं किस प्रकार से आपको पैसे मिल रहे होंगे ठीक है ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं और नेक्स्ट है आपका भैया अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है अब मैं पहले यार इस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा समझाना इन द सेंस कि मान लो आ, मेरा ये चश्मा है और ये चश्मा आप में से दो चार लोगों को पसंद आ गया अब आप चाहते हैं कि यार ये लिंक मिल जाए तो सही है हम भी ऑर्डर कर देंगे अब मैंने मान लो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया इसका आप जाते हो उस लिंक पे क्लिक करते हो अमेजोन की वेबसाइट खुल जाती है और आप जाके मान लो कि ये चार सौ रुपए के हैं तो आप चार सौ रुपए का ऑर्डर प्लेस कर देते हो अब उस चार सौ रुपए में से डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा है ये चश्मा है या लैपटॉप है या पेन है या कॉपी है या कोई बड़ी डिवाइस है पांच परसेंट से लेके बारह परसेंट हो सकता है मैं गलत हूं तीन परसेंट से लेके बारह परसेंट अठारह परसेंट कुछ पार्ट जिसकी लिंक थी उस व्यक्ति को मिलता है मतलब मुझे मिल जाएगा जी समझ में आ रही अगर आप वो चार सौ रुपए का चश्मा लेते हो और मान लो टेन परसेंट आपका मिलना है मुझे हर एक जो डिवाइस है या जो प्रोडक्ट है उसका अलग परसेंटेज होता है तो मेरे को चालीस रुपए का बेनिफिट मिल रहा होगा जिस डेफिनेटली टैक्सेस लग रहे होंगे तो भैया क्या मुझे महंगा मिला क्या वो 360 का था जो मुझे 400 नहीं नहीं आपको उतना ही प्राइस का मिला इनफैक्ट उस पर कोई डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट भी मिला है तो जब कस्टमर खरीदता उसको पता नहीं चलता पर एमेजॉन कहता है अरे यार तुम्हारी लिंक की वजह से वो मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आया तो आप भी थोड़ा सा टिप ले लो चीज़ आपको समझ में आई ये होती है आपकी एफिलिएट मार्केटिंग तो अगर किसी का ट्विटर हैंडल है किसी का इंस्टाग्राम पेज है तो वो या किसी का यूट्यूब पेज है तो वो ये सारी चीज़ तो कभी आप देखते हो कि मान लो कोई प्रोडक्ट है फिलिप्स का ट्रिमर हो गया या जेलेट हो गया या और कोई चीज़ें हो गई जो अमेजोन पर लिस्टेड हैं तो आप अपने क्रिएटर्स को सपोर्ट भी कर सकते हैं ठीक है थेके? जैसे अब हम कुछ नहीं बेच सकते मतलब हम कुछ बेच ही नहीं सकते सिवाय किताबों के तो आ, आ, चलो ठीक है ये तो हंसी मजाक का पॉइंट था नेक्स्ट यार आपका होता है कि आप अमेजॉन पे अपनी खुद की कैसे दुकान खोल सकते हैं अब दुकान आप इस प्रकार से खोल सकते हैं कि मान लो आपके पास ऑलरेडी एक सेलर हो आपके पास काफ़ी सारा स्टॉक है तो वहाँ पे यार आप अपने आप को लिस्ट कर सकते हो अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो मुझे बता देना हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे और आपको सारा प्रोसेस दिखा भी देंगे ठीक है बाकी जिसके अंदर मन के अंदर होता है यार वो व्यक्ति निकाल लेता है मेरा ये मानना है YouTube के ऊपर ऑलरेडी सैकड़ों वीडियो बन रखे हैं उस चीज को बनाने के मैं तो यह बोलूंगा वेट भी मत करना उनको देख लेना ठीक है नेक्स्ट चीज के ऊपर जनाब आते हैं हैं अब वीडियो वीडियो एडिटर एडिटर कैसे बन सकते यार वीडियो एडिटर आप चाहो तो घर बैठे बैठे यूट्यूब से आप जनाब सीख सकते हो आपके काफी सारे पेड प्लेटफॉर्म है वहां से आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो कुछ प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करो और चाहे यार आपका वीडियो एडिटर हो गया चाहे आपका एनिमेटर हो गया चाहे आपका ग्राफिक डिजाइनर हो गया चाहे आपका वेब डेवलपर हो गया चाहे आपका एंड्रॉयड डेवलपर हो गया ये सारे वो लोग हैं जिन्हें फ्री में तो जॉब मिलता ही है साथ में आप चाहो तो फुल टाइम जॉब भी ले सकते हो भैया फुल टाइम जॉब कहा आप नौकरी डॉट कॉम पे चले जाए तो जैसे कि हमने रिसेंटली डाला था जैसे ऊपर देख लेते हैं, हमने क्या क्या डाला जॉब एंड रिस्पॉन्स में मैनेज जॉब एंड रिस्पॉन्स जैसे रिसेंटली हमने एक वीडियो एडिटर का डाला था तो यहां पे चाहे आप एक रिक्रूटर हो या चाहे एक इंडिविजुअल हो तो आपको पता चल जाए कि बैक एंड दूसरी तरफ पे कैसा दिखता है जैसे हमने वीडियो एडिटर के लिए एक पोस्ट डाला था तो तो पे आपको सबसे पहले तो जनाब दिख जाएगा कितने अब एक सौ चौबीस लोगों ने, ने जिन्होंने अप्लाई किया उन लोगों के बारे में यार अब आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कहा मिल जाएगा देख क्यों नहीं रहा मेरे को वो इन्फॉर्मेशन अरे अरे रिस्पॉन्सेज एक सौ चौबीस पे क्लिक करना पड़ेगा हमें और क्लिक करते ही दिख गए अलग अलग व्यक्ति हैं कोई छह लाख की डिमांड कर रहा है कोई बाकी लाख की डिमांड कर रहा है बाकी 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 अब जो जो व्यक्ति मेरे को पसंद आता जा रहा है उन उनको हम शॉर्टलिस्ट करेंगे उन -उनको हम कॉल करेंगे उनको हम बुला लेंगे उनका इंटरव्यू करेंगे और उसके बाद फुल टाइम जॉब हम उन्हें दे देंगे तो इस प्रकार से आपको भी अलग अलग डोमेन्स में सिर्फ यहां पे यार आपका ऐसा नहीं कि वीडियो एडिटर्स को जॉब मिलती है बाकी भी आपके बहुत सारे प्रोफेशन हैं तभी मैं कह रहा था ये होम पेज मेरे को अगर खोल के दे दे तो होम पे अगर मैं चला जाऊं तो ये मेरा रिक्रूटर पेज है यार इसलिए मुझे ये वही दिखा रहा है आप जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज दिखाएगा कि कैसे आप मैं लेके ही आऊँगा उस पेज को अब आप बोलेंगे भैया ये सारे काम आपको वीडियो एडिटिंग के दौरान हटा देने चाहिए थे बात तो सही कह रहे हो आप हटा देने चाहिए पर आज के दिन द न्यू क्वालिटी इज़ बींग ऑनेस्ट ठीक है और बहुत सारा पढ़ाना पड़ता है और वीडियो एडिटर्स टू भी ऑनेस्ट यार अब है नहीं इसके कोरोना पेंडेमिक के दौरान काफ़ी लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है आ, कुछ के घर में बीमार हो गए कभी ऑफिस में कोई हो जाता है तो काफ़ी दिन के लिए खाली करना पड़ता है ऑफिस तब यार नौकरी डॉट कॉम का हमारा पेज खुल गया तो ये कह रहा है फाइंड अ जॉब अब मेरे को मान लो यार कौन सी जॉब चाहिए सेलेक्ट करना पड़ेगा ओके वेब डेवलपमेंट में चाहिए फ्रंट एंड हो मोबाइल डेवलपमेंट करते हो यू डेवलपमेंट करते हो वर्ल्ड प्रेस का काम करते हो क्या करते हो तो मैंने कहा यार चलो और कुछ नहीं फ्रंट एंड ही कर लेते हैं अब फ्रंट एंड करते ही लोकेशन दे दो कहाँ चाहिए जी दिल्ली के अंदर चाहिए अब सर्च कर लो अब सर्च करते ही देखते हैं कुछ जॉब आई है क्या तो आ गई देखो फ्रंट एंड डेवलपर को ये तीन लाख से आठ लाख रुपए का एक आ गया एक आ गया छह लाख से सोलह लाख रुपए देख रहे थे ना आप कह रहे थे पैसे नहीं मिलते वेब डेवलप मिलते हैं इंटर्नशिप में आपको कम देंगे क्योंकि यार वहां पे मेन हमारा गोल होता है कि हम सीख जाएं ऑन फील्ड काम कैसा होता है यहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया पैसा मिल रहा है ये ढाई लाख से साढ़े लाख ये आपका दो लाख से ज्यादा हो सकता है कुछ लोगों ने डिस्क्लोज नहीं करता डिस्क्लोज इसलिए नहीं क्योंकि वो देखते हैं यार बंदा कैसा आ रहा होगा उसको देख के फिर आ, माथे को देख के तिलक लगाया जाता है इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ठीक है यहाँ पे आपका पांच से दस लाख का पैकेज जनाब आपको देख सकता है तो बढ़िया बढ़िया पैकेजेस भी आपको मिल जाएंगे आप में प्रतिभा होनी चाहिए अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बना दिया इसके लिए यार जनाब मैं माफी चाहूंगा एक दो चीज़ें और बच गई हैं वो आप जरूर देख लें एनिमेटर भी आप बनना चाहते हैं आपको ऑनलाइन काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे आप उन्हें देख सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आप बनना चाहते हैं सेम सेम अप्लाइज आप चाहें तो पैसे दे दें चाहे फ्री में सीख लें कोडिंग का मैंने दो सौ का यार आपको अभी सीरीज़ दिखाई थी कि यार आप उसको देख सकते हैं ये रही हमारी कोडिंग की इसमें आपका कंप्लीट सी प्लस प्लस बताया गया है डेटा स्ट्रक्चर्स कराया गया है एल्गोरिदम्स आपको सिखाया गया है और कैसे आप ऑफ कैंपस के लिए पढ़ सकते हैं उसके लिए तो यार ये वीडियोज हैं जो कि मैंने आपको सर्च करके दिखाए थे नेक्स्ट यार है आपका टीचिंग आप बच्चों को पढ़ा के पैसा कमा सकते हैं अब काफी सारे तो जैसे आपके यार टीचर्स ही थे उन्होंने ही ऑनलाइन शिफ्ट हो गए जूम वगैरह पे क्लास लेके बच्चों को पढ़ा देते हैं या फिर आपकी काफी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स आ चुकी हैं जहां पर अगर आप पढ़ाते हो तो आपको पैसे दे देंगे वो जिस प्रकार से आप जैसा पढ़ा रहे होंगे फिर काफ़ी जगह अगर आप डाउट सॉल्व कर देते हो बच्चों के तो आपको पैसे मिल जाते हैं भैया ये काफ़ी जगहें हैं कौन सी ये सारी यार वेबसाइट्स हैं आप बस इतना कष्ट करें कि गूगल पर जाएँ और बस सर्च करना स्टार्ट करें कि मैं टीचिंग के माध्यम से कैसे पैसे कमा सकता हूं जो शुरुआत के पाँच छः रिजल्ट आएंगे उन सारों से आप कमा सकते हैं काफ़ी जगह आपको बच्चों को मैथ्स पढ़ाने का पैसा मिलेगा काफ़ी जगह आपको बच्चों को कोडिंग पढ़ाने का पैसा मिल रहा होगा तो इस जगह से यार अगर आप अच्छे हैं पढ़ाई में ज्यादा पैसा नहीं होता यार इनिशियली सही बात करें तो पर धीरे धीरे यार आप इसमें बढ़ सकते हैं जैसे कोई भी स्किल है शुरुआत का आपका दो से चार महीना तो यार एकदम बेबी स्टेप हो गया कि आपने उसको थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया वीडियो एडिटिंग है तो आप उसको एक से दो महीने में बेसिक सीख सकते हो वेब डेवलपमेंट है तो तीन से चार महीने आपको लग सकते हैं कोडिंग है तो सिमिलरली वहां पर भी तीन से चार महीने आपको लग सकते हैं प्रो बनने में आपको पांच से छह महीने की यार मैं किसी भी कंपनी को फोड़ सकूं तब तो यार लाल भर तक का आपको समय चाहिए तो आ, सोशल मीडिया आप क्रिएटर भी बन सकते हैं चाहे आपका इंस्टाग्राम हो गया चाहे आपका यूट्यूब हो गया यहाँ पे आप चाहे आप फैशन के डायरेक्शन में जाना चाहते हैं कोई भी जो डोमेन आप सोचना चाहते हैं गेमिंग आपका नया चल रहा है आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं आप लीगल जानते हैं आप लीगल के बारे में बात कर सकते हैं आप कॉमर्स जानते हैं आप सी हैं तो आप अपना एक चैनल खोल सकते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं तो सिमिलरली वहाँ से भी यार आप यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम से अपनी एक इनकम कर सकते हैं हाँ टाइम लगेगा क्रिएटर एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे शुरुआत में हो सकता है कि साल दो साल आपको ज़्यादा लोग ना देख रहे हों पर अगर आप कंसिस्टेंट consistent रहेंगे कंसिस्टेंटली वीडियो डालते रहेंगे और आज के दिन कंसिस्टेंटी थोड़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो साल दो साल बाद आपकी एक कम्युनिटी हो सकती है जिससे कि आप एडसेंस के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं या फिर आप अगर चाहें तो कुछ एफिलिएट मार्केटिंग जैसा या फिर आप चाहें तो कुछ स्पॉन्सरशिप जैसा कर सकते हैं जिससे कि मेजोरिटी क्रिएटर्स आपका पैसा कमा रहे होते हैं तो अगर कोई बच्चा है जो कि अपनी कक्षा में आके पढ़ाना चाहता है तो हमें लिंकड इन पे खोद लेना एक दो दिन के अंदर लिंकड इन पे मुझे ढूंढना अवंधरवाल भैया वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा एक दो दिन के अंदर पोस्ट कर रहे होंगे वीडियो एडिटर्स हम लेके आ रहे होंगे टीचर्स और लेके आ रहे होंगे नाइन टेंथ और जितने भी यार यहां पे नए यूजर्स हैं अगर आपके घर में कोई छोटा भाई है नाइन टेंथ में तो उनको लिए हमने कोर्स बना रखा है फ्री में देख सकते हो किसी एक कोर्स नहीं बेचा आज तक हमने इलेवन ट्वेल्थ का बच्चा है तो बारहवीं वाले बच्चों के लिए हमने कोर्स बना रखा है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कॉलेज का बच्चा है तो कोडिंग रिलेटेड कोर्सेज बना रखे हैं सारा जाके आप देख सकते हो आज का जो ये समय है ठीक है इक्कीसवीं सदी इसके अंदर इंफॉर्मेशन का आपके ऊपर ऐसे बल्क की जा रही है प्रश्न ये है क्या आपका दिन व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से शुरू हो रहा है या फिर आप इस इंफॉर्मेशन को राइट right तरीके से कर करके सही सही चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं आई होप यार आप अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया करें जो भी मैंने कुछ थोड़े से समय में समझाने की कोशिश करी इससे यार आपको अपनी लाइफ में कुछ हेल्प हो रहा हो थैंक यू लव यू ऑल टेक केयर सी सिया